आज भारतीय जनता पार्टी नोएडा महानगर के बजट 2021-22 को लेकर प्रेस वार्ता एवं गोष्ठी का आयोजन किया। इस गोष्ठी में सांसद एवं पूर्व मंत्री, भारत सरकार प्रभारी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह, सांसद पूर्व मंत्री भारत सरकार डॉक्टर महेश शर्मा, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर, विधायक पंकज सिंह, माननीय विधायक तेजपाल नागर, विमला बाथम अध्यक्षा महिला आयोग की, माननीय नवाब सिंह नागर अध्यक्ष गत्रा किसान संस्थान, राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल, नोएडा के प्रभारी मुंशीलाल गौतम एवं गौतम बुद्ध नगर के प्रभारी सतपाल सिंह सैनी, जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता एवं जिला अध्यक्ष विजय भाटी मौजूद रहे। सर, आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री राधा मोहन जी का नोएडा आगमन था, नोएडा दौरा था, क्या वजह रही? देखिए, आज हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय राधा मोहन सिंह जी और सभी सांसद और विधायक का एक सम्मेलन था पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, और उससे पहले प्रेस मीट थी जिसमें हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, इस कोरोना के काल के अंदर जब विषमतंक परिस्थितियां थी, लोग सोच रहे थे किसी तरह का टैक्स बढ़ाया जाएगा, सेस लगाए जाएंगे, बिना कोई सेस और टैक्स बढ़ाए और जिस तरह का ये लाभकारी बजट जो सभी के लिए लाभकारी है, आम आदमी के लिए भी, किसान के लिए भी, मजदूर के लिए भी, गरीब के लिए भी, शिक्षार्थी के लिए भी, सभी तरह से संपूर्ण, जिसे हम होलिस्टिक शब्द कहते हैं, संपूर्ण रूप का ये बजट है जिसमें मूलभूत ढांचा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट, चाहे वो हेल्थ केयर के अंदर 137% बढ़ोतरी की गई हो, या किसानों के ऋण के अंदर लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का ऋण की क्षमता बढ़ाई गई हो, तुम्हारे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट 74% तक कर दी गई हो, ऐसे बहुत सारे कदम कराए गए जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह कोरोना के संकट से प्रधानमंत्री जी देश को बाहर निकाल कर लाए हैं, इसी तरह आर्थिक संकट से भी हम, हो सकता है इसी साल या उससे पहले भी हम इससे बाहर निकल जाएं। सर, देश की जनता के लिए कितना कारगर साबित होगा ये बजट? देखिए, आपने प्रधानमंत्री जी का काम करने का तरीका होगा, उनका परिवार में कोई दामाद नहीं है, कोई जीजा नहीं है, कोई साला नहीं है, उनका परिवार 130 करोड़ देशवासी है और वो जो भी काम करते हैं 130 करोड़ देशवासियों के लिए करते हैं, और उसी 130 करोड़ देशवासियों में भी खास तौर पर जो आम आदमी है, जो गरीब है, जो किसान है, जो मजदूर है, उनके लिए उनके दिल में विशेष चिंता रहती है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।